महागठबंधन का धरना सभा आज बिहार के विभिन्न जिलों में चल रहा है। प्रखंड स्तरीय यह कार्यक्रम है। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड में हम हैं इस समय। आरजेडी के विधायक निरंजन राय हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर महागठबंधन जो धरना कर रही है इसका उद्देश्य क्या। केंद्र की सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, जो गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी सरकार है, उसके गलत नीतियों के खिलाफ पूरे ये महागठबंधन की तरफ से पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में यह धरना का कार्यक्रम किया गया है। और इस धरना के माध्यम से संकल्प लेकर के यहाँ से सभी साथी जाएंगे, जा रहे हैं कि जो इनका जो लोकतंत्र और संविधान को जो मिटाने का काम कर रहे हैं, ऐसी सरकार को आगामी 2024 के चुनाव में इनको गद्दी से कान पकड़ के उतारने का काम यहाँ की आम आवाम करेगी। यही लोकतंत्र की जननी है, बिहार लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ से देश को दशा, यहाँ से देश की दशा और दिशा तय होती है। तो इस बार बिहार और पूरे देश की जनता देख चुकी है कि किस तरह से जुमलेबाज सरकार, जुमलेबाज भाजपाई लोग इस देश की संपत्तियों को नीलाम कर रहे हैं, कौड़ी के भाव बेच रहे हैं। ये जो अब अंबानी और अडानी के हाथों में बेच रहे हैं, चाहे वो जेल हो, सेल हो, भेल हो, एयरपोर्ट हो, जहाज हो, रेल हो, टेक्सटाइल हो, अब देख लीजिए कि जो सरकार जिसको दिन रात काम करने के लिए कहा कि हम चौकीदार की तरह काम करें, हम चौकीदार हैं, ऐसा चौकीदार कि देश को ही बेचने में लगा हुआ है, ऐसे चौकीदार की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की जनता समझ चुकी है, जो सपने बेचने वाले लोग हैं इनको आगामी 2024 के चुनाव में गद्दी से उतारने का काम। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि महागठबंधन के लोग सपना देख रहे हैं। देखिए, हमारे आदरणीय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय नेता माननीय उपमुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब पूरे देश में घूम घूम करके विपक्षी को एकजुट कर रहे हैं, तो इनकी हवाई उड़ गई। इनका जो है ना, इनके पैर के नीचे से जमीन घिसक गया है। ये देख रहे हैं कि आगामी 2024 में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, तो ये अनाप शनाप बोल रहे, इनका मानसिक संतुलन खो गया है, इसलिए भाजपा के लोग अनाप शनाप बोल। माझी ने तो झटका दे दिया है, तो फिर कैसे इसको, कोई ऐसी झटका की बात, कोई झटका भी तो अभी सरकार से इस्तीफा दिए तो झटका कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर ये भी आ रही है कि भाजपा ने उनको ऑफर किया। सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसने क्या ऑफर किया है वो तो अब आपको दिख ही जाएगा। नीतीश जी ने कहा है कि इसी साल चुनाव होना है, तो क्या जल्दी में तैयारी कैसे करेंगे आप लोग? हमारी तैयारी है, हम तो हमारी सरकार और हम लोग, हमारे आम आवाम हमेशा तैयार रहते हैं, कहीं कोई तैयारी करने की जरूरत है, ऑलरेडी हम लोग तैयार। महागठबंधन में सभी लोगों का साथ है? बिल्कुल, सभी लोग महागठबंधन में एकजुट हैं और पूरे इंटैक्ट हैं, पूरे मजबूती से इसको आगामी 2024 में उखाड़ फेंकने का काम कर। महागठबंधन में शामिल आरजेडी के जो विधायक हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र से निरंजन राय हमारे साथ हैं, इनका दावा है कि भाजपा को जो आगामी चुनाव है उसमें सबक सिखाया जाएगा, माझी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, महागठबंधन जो है गांव-गांव पर तैयारी कर रहा है, और इसी क्रम में आज प्रखंड स्तरीय यह महाधरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज़ लाइव, मुजफ्फरपुर बिहार।